हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका दोस्त संजय एक बार फिर लेकर के आया रोज़गार समाचार। ये मई 2021 फर्स्ट वीक का रोज़गार समाचार है। इसमें 12 विभागों में 16,000 से भी ज़्यादा बम्पर रिक्तियाँ आने की सूचना है। इसमें 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन मौका आया है। तो बढ़ते हम लोग पहले वैकेंसी की तरफ। पहले वैकेंसी आ रही है DFCCIL और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ये है। इसमें जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव के लिए पोस्ट है। इसमें लगभग 1000+ वैकेंसीज हैं। इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री की गई है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनी मोर। इवन इसमें PG इन मार्केटिंग डिप्लोमा को भी इन्वाइट किया गया है। तो जल्दी बढ़ें, इसकी लास्ट डेट 23rd of May रखी गई है और इसकी फ़ीस 700 से 1000 तक चली जाती है और इसकी सैलरी बहुत ही अच्छी खासी है। इसके इसे भरने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, कृपया जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। तरफ अगली वैकेंसी आ रही है कंबाइंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की तरफ से। इसमें BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB का पोस्ट है। इसमें लगभग 100+ वैकेंसीज है और इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री रखी गई है एन स्ट्रीम में और इसकी मैक्सिमम एज लिमिट 25 ईयर्स है और इसकी लास्ट डेट भरने के लिए 5th of May 2021 है। इसकी एप्लीकेशन फ़ी 200 रखी गई है। फॉर जनरल OBC के लिए कोई भी फ़ी नहीं लग रहा है, फॉर फीमेल के लिए SST के लिए इसे भी ऑनलाइन भरा जा रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, कृपया जाकर चेक करें और अभी अप्लाई करें। अगली वैकेंसी की तरफ, अगली वैकेंसी आ रही है हम लोग की NTPC, ET एंड नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन तरफ से। इसमें इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी की पोस्ट है और इसे गेट के थ्रू भरा जा रहा है। इसे भरने के लिए कोई फ़ी नहीं ली जा रही है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स से और इसकी लास्ट डेट 6th of May रखी गई है। इसे भी ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो कृपया इसे भरने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, कृपया जाकर वहाँ। बढ़ते हम लोग अगले वैकेंसी की तरफ। अगली वैकेंसी आ रही है हम लोग की उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से। इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है और इसमें लगभग 150+ वैकेंसीज है और इसकी एलिजिबिलिटी डिप्लोमा रखी गई है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं इसके लिए। और इसकी फ़ी 700 से 1000 रखी गई है और इसकी अच्छी खासी सैलरी है। इसे ऑनलाइन भरा जा रहा है, जल्दी करें। और आप लोग इसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को देख करके सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए हर वीक इसी तरह से एम्प्लॉयमेंट लेते आऊँ और डेली न्यूज़ लेते आऊँ। तो बढ़ते हम लोग अगले वैकेंसी है IGCAR की तरफ से, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। इसमें स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग, वर्क असिस्टेंट एंड मेनी मोर, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर लाइक दैट, ग्रुप डी ग्रुप सी पोस्ट इसमें है। इसमें लगभग 300+ वैकेंसीज इसमें है। इसकी एलिजिबिलिटी BE, BTEC, साथ में PhD क्लास 10th पास के लिए एलिजिबिलिटी रखी गई है, के युवाओं भर सकते हैं इसमें। इसकी एज लिमिट मैक्सिमम 40 ईयर्स रखी गई है। इसे भरने के लिए डेट 14th of May रखी गई है और इसकी फ़ी 0 से 300 रुपीज़ है। इसे भी ऑनलाइन भरा जा रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, कृपया जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। बढ़ते हम लोग अगले वैकेंसी की तरफ। अगले वैकेंसी आ रही है हम लोग की एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB की तरफ से। इसमें रिसर्च सर्विस NET सीनियर टेक्निकल ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। इसमें लगभग 250+ वैकेंसीज है इसमें। इसकी एज लिमिट लगभग मैक्सिमम 25 ईयर्स रखी गई है, लास्ट 25th of April है। कृपया जाकर के आप इसे चेक करें और भरें, मीन्स कल ही इसकी लास्ट डेट है, तो कृपया जाएँ इसे चेक करें। और इसकी सैलरी अच्छी खासी, इसे भी ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि इसे आप जल्दी भरें और इस वैकेंसी को अपने हाथों से जाने मत दें। तो अगले वैकेंसी तरफ, अगले वैकेंसी आ रही है SBI की तरफ से। इसमें फार्मासिस्ट क्लर्क की पोस्ट खाली है और लगभग 50+ वैकेंसीज हैं और इसमें डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में और इसकी फ़ी लगभग 750 तो चली जाती है और इसके भरने की लास्ट डेट 3rd of May रखी गई है और इसकी वजह से सैलरी है और इसे ऑनलाइन भरा जा रहा है, तो इसे भी भरें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक। बढ़ते हम लोग अगले वैकेंसी की तरफ। अगले वैकेंसी आ रही है BPSC की तरफ से, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। इसमें ऑडिट ऑफिसर AAO की पोस्ट है। इसमें भी 100+ वैकेंसीज हैं और इसकी एलिजिबिलिटी बैचलर्स की गई रखी गई है कि इसमें कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स में रखी गई है या फिर MBA फाइनेंस वाले से भर सकते हैं। अगली इसकी जो लास्ट डेट है वो 15th of May 2021 है और इसे भरने के लिए फ़ी 600 रुपीज़ रखी गई है। इसे ऑनलाइन भरा जा रहा है। बढ़ते हम लोग अगले वैकेंसी तरफ। अगले वैकेंसी आ रही है हम लोग की RMS की तरफ से, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तरफ से। इसमें MTS लाइब्रेरी एंड कोक्स हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है। इसमें लगभग 11 वैकेंसीज हैं
और इसकी लास्ट डेट लगभग 13th of May रखी गई है। इसे इसे भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ी 50 रुपीज़ है। फॉर जनरल कोई फ़ी नहीं लग रहा है एस टी ओ बी सी के लिए। इसमें अच्छी खास सैलरी से ऑफलाइन भरा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं अगले हफ्ते इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लेता हूँ और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, कमेंट कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।